कहते हैं गुरु गुड़ तो चेला चीनी होता है। तो हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिनके गुरु तो गुरु ही हैं, लेकिन गुरु के जो रिश्तेदार हैं वो फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय के रेडार पर हैं। जी हाँ, राज्य में नौकरशाह, कारोबारी और जो ब्रोकर हैं उसका गठजोड़ का पर्दाफाश प्रवर्तन निदेशालय ने कर दिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हुआ करते थे राजीव अरुण एक्का, इनके बारे में अभी रोज़ कुछ न कुछ अखबारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं। राजीव अरुण एक्का पर FIR करने की सिफारिश भी ED ने कर दी है। अब ये राजीव अरुण एक्का कौन है? राजू अरुण एक्का जो है वो एक बिल्डर हैं निशित केसरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रमोटर निशित केसरी के वो बहनोई हैं, यानी कि बहनोई और साले बहनोई का जो रिश्ता है। इस गठजोड़ ने राज्य में कई तरह के घोटाले किए हैं जो ED के जांच में अब सामने आ रहा है। इसमें एक पावर ब्रोकर थे विशाल चौधरी, निशित केसरी और राजीव अरुण एक्का। अब इन में एक और नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है रौनक साबू। अब ये रौनक साबू कौन है? रौनक साबू को निशित केसरी ने अपने प्रोजेक्ट का कई प्लॉट बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए दिया है। रौनक साबू ने 2007 में लक्की कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी की शुरुआत की थी। अब ये लक्की ग्रुप ऑफ कंपनी बन गई है जिसमें लक्की बिल्डकॉन, लक्की कंस्ट्रक्शन, लक्की रियल्टी, लक्की कंजर्वेंस, नेशनल ट्रेडर्स, ग्लोबल मार्केटिंग, अर्बन इस्टेट, लक्की बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, वसुधा इंफ्रा एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। और इनका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स से इन्होंने पढ़ाई की है, संजेवियर से पढ़ाई की। और अब ये कहते हैं कि 1000 फ्लैट झारखंड की राजधानी और अन्य जगहों पर बनाएंगे, जिसमें अभिनंदन रेजिडेंसी, सुलोचना अपार्टमेंट, ड्रीम रेजिडेंसी, कैपिटल गार्डन और ड्रीम टावर शामिल है। इनके गुरु निशित केसरी हैं। इनके कंस्ट्रक्शन जो है वो फिलहाल ED के रडार में है, क्योंकि जिस दिन प्रेम प्रकाश विशाल चौधरी के यहाँ छापा पड़ा था पिछले साल, उसी दौरान निशित केसरी के यहाँ भी छापा पड़ा था। ED के अधिकारियों ने कई दस्तावेज वहाँ से प्राप्त किए थे। अब यह पता चल रहा है कि कैसे विशाल चौधरी, निशित केसरी और राजीव अरुण एक्का ने पावर का मिस यूटिलाइज कर अपने कामों को पूरा किया और कई घोटाले अब सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। निशित केसरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है इनका एक प्रतिष्ठान हुआ करता था कपड़े का, जो पूनम ड्रेसेस के नाम से आज भी मशहूर है। अब इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये गुमला के रहने वाले हैं और पहले महुआ और अन्य चीज़ों का व्यापार करते थे, अब कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं। अरगोड़ा से पुंदाग जाने वाले रास्ते में इन्होंने कई बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया है। और जिस समय ED के रेड पड़ी थी उस समय एक अशोक नगर के एक निजी बैंक से इनके कुछ गड़बड़ी के दस्तावेज गायब हो गए थे, ये सूचना हमें मिली थी। निशित केसरी के बारे में यह कहा जाता है कि राजीव अरुण एक्का से इनका काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग है, रिश्तेदार भी हैं। और राजीव अरुण एक्का, पावर ब्रोकर विशाल चौधरी और निशित केसरी ने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर और प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर कई घोटाले किए। श्रम विभाग में रहते हुए राजीव अरुण एक्का ने कई उपकरणों का खरीदने का निर्णय लिया। इसके लिए जो निविदा आमंत्रित की गई थी उस पे काफ़ी
बड़ी कीमत पर उपकरणों की खरीद की गई। ईडी इन सभी पहलुओं को देखते हुए इन पर एफआईआर करने की सिफारिश कर चुकी है। अब ये रौनक साबू जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो फोर फादर्स या जो भी रहे हों, वो नेशनल फर्निशिंग की दुकान से जुड़े हुए। नेशनल फर्निशिंग जो है गद्दे, फोम और अन्य चीज़ों का एक बड़ा नामी प्रतिष्ठान है। और रौनक साबू निशित केसरी के जो संबंध हैं, अब ईडी इनके जांच भी कर रही है। जल्द ही रौनक साबू के बारे में सुर्खियां अखबारों में छपेंगी और मीडिया में भी इनके बारे में न्यूज़ सामने आएंगे। कहते हैं कि ये छोटे भाई के व्यापार में साथ दे रहे थे, अब इन्होंने अपनी एक बड़ी मिल्कियत कायम कर ली है जिसके कर्ता धर्ता निशित केसरी भी हैं। तो आने वाले दिनों में निशित केसरी, विशाल चौधरी, रौनक साबू और नौकरशाह राजीव अरुण एक्का पर क्या गाज गिरेगी, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तब तक लोकतंत्र 19 के लिए मैं दीपक अपने सहयोगी अतुल के साथ।